second part of fifth question. 25 into 5 raised power 2 into t raised power 8 divided by 10 raised power 3 into t raised power 4. So it's easy if you expand that. इसको expand कर दो, open कर दो सभी को. 25 into 5 raised to power 2 means क्या हुआ? इन्हें इसको 2 time open किया, 5 multiplied to itself 2 time into t a raised to power 8 over 10 raised to power 3. 10 को आप 3 times open कर दीजिए. 10 into 10 into 10. अब t and t they are same basis. T same basis है. Yes. So और dividing में है. So powers क्या हो जाएंगी? Minus. Yes. Subtracting होंगी. Yes. So 8 minus 4. Clear? Same base, one base लगाया और ऊपर वाली power minus नीचे वाली. Clear? Numerator की जो power है minus करेंगे नीचे वाली power. Because they are dividing. Clear? अब इनको हम solve करते हैं. हमने numerical जो वाली से उसको open कर दिया. और जो वेरिएबल था उनकी पावर्स को हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के सबट्रैक्टिंग कर दिया. क्लियर? अब ये अब इसको कटिंग करते हैं. 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 2 जा 10. अब इसमें कोई कटिंग होती है नहीं ना? तो अब हमारा ऊपर क्या रह गया? 5 1 जा 5 और क्या रह गया? t raised to power 8 minus 4 is 4. Yes. और नीचे क्या रह गया? 2 2s are 4, 4 2s are 8. 8. This is our answer. Clear? Yes, ma'am. Now next third part is 3 raised to power 5 into 10 raised to power 5 into 25 over 5 raised to power 7 into 6 raised to power 5. आप इसको टू वे से कर सकते हो. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में किए थे फर्स्ट पार्ट में कि आप इनके फैक्टर्स कर सकते हो. जैसे 25 5 5 जा 25 5 रेज टू पावर 2 हो जाएगा और 6 6 क्या बन गया? 3 और 2 के फैक्टर्स होते हैं और 3 की लग पावर कर दी 2 की लग कर दी. तो वैसे भी आप कर सकते हो या इसको जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया इसको एक्सपैंड कर दो. तो एक्सपैंड करने से आपको थोड़ा इजी लगेगा. 3 रेज टू पावर 5 आप इसको 5 टाइम्स एक्सपैंड कर दो. 1, 2, 3, 4, 5. 10 is for 5. 10 is for 5 times on the expand. 1, 2, 3, 4, 5. Into 25. Clear? हमने सभी को लिख दिया अपने times. Clear? It should be neat and clean. 5 is to power 7. 5 को 7 times हमने expand कर दिया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और 6 raised to power क्या है? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Clear? अब इसको cutting करते हैं. हम जो ऊपर नीचे जाते हैं. 3 1s are 3, 3 2s are 6. 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 क्लियर? यहाँ हो गया. अब 5 की टेबल भी ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी. अब 5 को कट करते हैं. 5 1s are 5, 5 2s are 10. 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 5 1s are 5, 5 5s are 25. 5 1s are 5, 5 5s are 5 1s are 5. Clear? कट गए सारे 5. अब ऊपर नीचे क्या 2 रह गए. अब 2 का कटिंग करते हैं. 2 1s are 2, 2 1s are 2. 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 अब सभी हमारी कटिंग होगी. लेट चेक अगेन. कुछ बचा है हमारे पास? यहाँ पे सभी 3 कट हो गए 1 पे. ये सारे टू कट गए, ये भी कट गया. नीचे भी हमारे सारे नंबर्स कट गए. क्या रह गया हमारा आंसर? 1 into 1 into 1 क्या होगा? 1 ही आएगा. नीचे भी 1. 1 by 1 means 1 is your answer. Clear? अब इस तरह से हमने expand करके किया. अब इसको हम powers की तरह भी कर सकते हैं. Let's check power में हम कैसे करेंगे. So let's try with another method कि law of exponent लगा के हम ये सम कैसे कर सकते हैं.
3 raised to power 5, clear? अब 10, 10 के factors क्या बनते हैं? 2 5s are 10, हमने 10 को क्या लिख दिया? 2 into 5 और उनकी power क्या है? 5, clear? बाहर इकट्ठी power है, हमने 10 के factors कर दिए, 10 क्या होता है? 2 5s are 10, और same 5 25, 25 के factors क्या होते हैं? 5 5s are 25, we can write it as 5 raised to power 2, ठीक है, हमने इसको क्या लिखा 5 raised to power 2, फिर नीचे 5 raised to power क्या है 7, ठीक है, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसके आगे फैक्टर नहीं होते, फिर क्या है 6, 6 के फैक्टर्स क्या बनते हैं 3 2s are 6, 6 के फैक्टर्स क्या बनते हैं 2 3s are 6, हमने 6 की जगह क्या लिख दिया 2 3s are 6 और उसकी पावर क्या है 5, तो उसके बाद हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि अगर आपके पास अलग अलग बेसिस हैं उनकी पावर सेम है तो हम बेसिस को इकट्ठा लगा के पावर्स इकट्ठी लगा सकते हैं, है ना। अब आपके पास ये चीज है, अब आप किसको अलग अलग कर सकते हो, अंदर आपके पास दो नंबर है उनकी इकट्ठी पावर है तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो नाउ वी सेपरेट द पावर्स, 2 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 5 इनटू 5 रेज टू पावर 2, क्लियर, हमने अलग अलग पावर कर दी। सेम नीचे 5 रेज टू पावर 7 इनटू 2 इनटू 3 रेज टू पावर क्या है 5, हमने अलग अलग पावर कर दी, 2 की पावर भी 5 होगी, 3 रेज टू पावर भी 5 हो गई हमारी, क्लियर। देन अब हम सेपरेट 2 रेज टू पावर, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम बेसिस और पावर्स को कलेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास 3 ये रहा और नीचे भी 3 ये रहा, सेम बेसिस डिवाइडेड में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्टिंग हो जाएगी, तो हमने 3 क्या है पावर यहाँ पे 5 और नीचे भी क्या है 5, तो क्या बन गया 5 माइनस 5, फिर 2 यहाँ पे 5 और डिवाइडिंग में भी क्या है 5, सेम बेसिस तो पावर्स क्या हो जाएंगे माइनस में 5 माइनस 5 इनटू, अब रह गया 5, अब 5 पहले ये दोनों ऊपर पावर्स क्या है मल्टीप्लाई में है दोनों बेसिस, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड 5 प्लस 2 और नीचे बेस क्या है हमारा 7 पावर है उसकी, तो ये पावर क्या हो जाएगी जब ऊपर आएगी माइनस, क्लियर, हमने सभी कलेक्ट कर लिए। सेम बेसिस 3 रेज टू पावर 5, नीचे भी 3 रेज टू पावर 5, सेम बेसिस है डिवाइडेड है पावर्स क्या हो जाएंगी सबट्रैक्टिंग, फिर 2 रेज टू पावर 5, नीचे भी 2 रेज टू पावर 5, सेम बेसिस है पावर क्या हो जाएंगी सबट्रैक्टिंग, फिर 5 ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है जो सेम है 5 इंटू 5 ये सेम बेसिस है मल्टीप्लाई है पावर्स क्या हो जाएंगी एड, और जो नीचे वाला है हमारा बेस 5 रेज टू पावर 7 वो क्या हो जाएगी माइनस, क्लियर। तो अब ये क्या बन गया 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, अब 5 इज पावर 0, 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 7 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है किसके इक्वल होता है 1 इनटू 2 इज पावर भी 0 1, 5 इज टू पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आती है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। सो अब 1 1 जा 1, 5 इज टू पावर 0 भी क्या हुआ 1, सो 1 1 जा 1, हमारा आंसर सेम ही आएगा। ये हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स करके यूज किया और जो पहले मेथड किया तो वो हमने पूरा एक्सपैंड कर दिया और सिंपलीफाई कर दिया। यू कैन डू विद एनी मेथड, बोथ आर करेक्ट, क्लियर।